बच्चों, आज हम संस्कृत अनुवाद शिक्षण प्रकरण के अंतर्गत हलन सरित शब्द जो कि तकारांत स्त्रीलिंग है के शब्द रूप तथा उनका हिंदी तथा इंग्लिश में अनुवाद करना सीखेंगे। बच्चों, किसी भी भाषा में अनुवाद में किसी प्रकार की अशुद्धि न हो इसके लिए हमें शब्द रूप धातु रूप का ज्ञान लेना जरूरी है और कहाँ पर कर्ता का प्रयोग होता है तथा कहाँ कर्म आदि का प्रयोग होता है विभक्तियों का ज्ञान करना अत्यंत अनिवार्य है। अनुवाद ट्रांसलेशन सीखने की इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम सीखेंगे सरित तकारांत स्त्रीलिंग शब्द। बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। यदि हम कुछ ही शब्दों के रूप याद कर लें, कुछ धातु रूप याद कर लें, तो हमें सभी शब्द रूप धातु रूप याद हो जाएंगे। सरित यद्यपि स्त्रीलिंग शब्द है परंतु व्यंजनांत शब्द लगभग इसी के समान चलते हैं। शब्द रूप प्रारंभ करने से पहले हम कारक चिन्ह तथा विभक्ति इनका ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। कर्ता ने प्रथमा सब्जेक्ट, कर्म को द्वितीया ऑब्जेक्ट, करण से के द्वारा करण से के द्वारा तृतीया बाई और विद, संप्रदान के लिए चतुर्थी फोर, अपादान से पृथक अलग होने के अर्थ में। बच्चों ध्यान देना है, करण में भी से आता है और अपादान में भी से आता है परंतु करण में जो से का प्रयोग होता है के द्वारा के अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा अपादान से पृथक यह से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संबंध काके की रारे री जो कि षष्ठी विभक्ति होती है। इट शोज पजेशंस अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति इन ऑन संबोधन हे अरे टू एड्रेस समवन। अब हम देखते हैं सरित शब्द के रूप। बच्चों, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन तथा बहुवचन। सरित सरितौ सरितः, सरितम सरितौ सरितः, सरिता सरितभ्याम सरितभिः, सरिते सरितभ्याम सरितभः, सरितः सरितभ्याम सरितभः, सरितः सरितः सरिताम, सरिति सरितः सरितसु। बच्चों, संस्कृत कितनी सरल है आप देखिए। आप हमारा शब्द है हरित, हरित के रूप चलते हैं। हरित हरितौ हरितः, हरितम हरितौ हरितः, बिल्कुल सरित के समान चलते हैं। योषित योषित योषितौ योषितः, योषितम योषितौ योषितः इत्यादि। तो इस प्रकार एक शब्द रूप याद करने से हमें अनेक शब्द रूप याद हो जाते हैं। अब हम इसे अर्थ सहित सीखते हैं क्योंकि हम ट्रांसलेशन अनुवाद करना सीखेंगे। कारक कर्ता ने प्रथमा सरित सरितौ सरितः, एक नदी दो नदियां सभी नदियां। कर्म को द्वितीया सरितम सरितौ सरितः, एक नदी को दो नदियों को सभी नदियों को। करण से के द्वारा तृतीया सरिता सरितभ्याम सरितभिः, एक नदी के द्वारा दो नदियों से सभी नदियों से या के द्वारा। संप्रदान के लिए चतुर्थी सरिते सरितभ्याम सरितभः, एक नदी के लिए दो नदियों के लिए सभी नदियों के लिए। अपादान से पृथक अलग होने के अर्थ में पंचमी सरितः सरितभ्याम सरितभः, एक नदी से पृथक दो नदियों से पृथक सभी नदियों से पृथक। संबंध काके की रारेरी सरितः सरितौ सरिताम, एक नदी काके की दो नदियों काके की सभी नदियों
का के की। अधिकरण मे पर सप्तमी सरिति सरितो सरित्सु, एक नदी में, दो नदियों में, सभी नदियों में, या एक नदी पर, दो नदियों पर, सभी नदियों पर। संबोधन हे अरे, हे सरित, हे सरितौ, हे सरित है, हे एक नदी, हे दो नदियों, हे सभी नदियों। तो बच्चों इस प्रकार यह हमारा शब्द रूप हुआ कि किस विभक्ति का प्रयोग किस चिन्ह के साथ होता है। अब हम प्रत्येक विभक्तियों का अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। बच्चों जो सरित शब्द हमने सीखा है, अब हम इसके अनुवाद करना सीखेंगे, ताकि जो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, इनका हमें संस्कृत में कौन सी विभक्ति आती है यह प्रयोग करना आ जाएगा। हमने सीखा है प्रथमा विभक्ति में सरित सरितौ सरित है। प्रथमा एक वचन का हम प्रयोग करना सीख रहे हैं, यह नदी है। बच्चों संस्कृत बहुत सरल है, यह नदी है, ये हमारा कर्ता है और है हमारी क्रिया। यह हमारा सब्जेक्ट है और यह हमारी वर्ब है। इयम सरित अस्ति, दिस इज ए रिवर। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा ऑब्जेक्ट द्वितीय विभक्ति कर्म को। वह नदी को देखता है, वह यह हमारा कर्ता है जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, देखता है यह क्रिया है, इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं तथा संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है, नदी को, नदी को यह हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं। देखते हैं हम संस्कृत में नदी का क्या प्रयोग होगा। सह सरितम पश्यति, ही लुक्स एट द रिवर। अब आता है बच्चों बाय विद तृतीय करण के द्वारा। वह नदियों के द्वारा विश्व अन्वेषण कर रहा है। वह कर्ता कर रहा है क्रिया, विश्वान्वेषण यह हमारा कर्म। नदियों के द्वारा यह हमारा करण है। ठीक है, करण में बताइए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है, और वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सह सरित भी तृतीय बहुवचन विश्वस्य अन्वेषणं करोति, विश्व का अन्वेषण कर रहा है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, विश्वम अन्वेषयति। यहां हमने अन्वेषय को धातु बना दिया, वर्ब बना दिया है। ठीक है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही इज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड बाय द रिवर्स। समझ में आ रहा है बच्चों, संस्कृत कोई भी भाषा है अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आसानी से हमें समझ में आएगी। अब इसी प्रकार बच्चों चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए फोर। वह नदी के लिए अर्घ देता है। वह बताइए बच्चों क्या है, कर्ता हमारा सब्जेक्ट, देता है, देता है क्रिया वर्ब, अर्घ को यह हमारा ऑब्जेक्ट और कर्म, नदी के लिए ये हमारा संप्रदान या फिर फोर। सह सरिते
अर्घ्यम ददाति। He performs the ritual for the river। पंचमी अपादान से अलग या पृथक। From मगरमच्छ नदी से बाहर निकल रहे हैं। मगरमच्छ ये हमारे कर्ता है, निकल रहे हैं ये क्रिया है, वर्ब है, बाहर आउटसाइड। ठीक है, नदी से ये हमारा अलग फ्रॉम। संस्कृत में मकर कहते हैं, राम है रामौ रामः, मकर है मकरौ मकरः, मकरः सरितः बहिर्निर्गच्छन्ति। द क्रोकोडाइल्स आर कमिंग आउट ऑफ द रिवर। ठीक है बच्चों, अब आती है हमारी षष्ठी विभक्ति संबंध का के की रा रे री। इस नदी का जल मीठा व पेय है। इस नदी का जल है, जल कर्ता है, क्रिया मीठा व पेय ये एडजेक्टिव है, विशेषण है जल के। इस नदी का संबंध है यहाँ पर, अस्यः सरितः जलम मधुरम पेयम च अस्ति, पेयं चास्ति। द वॉटर ऑफ दिस रिवर इज स्वीट एंड ड्रिंकेबल। अब आता है बच्चों सप्तमी अधिकरण में पर, इन ओन। बच्चों समझ में आ रहा है, हम सरित शब्द के रूप सीख रहे हैं। सरित सरितम ये बहुवचन सरित भी, सरिते चतुर्थी, सरित है पंचमी, सरित है षष्ठी। अब हमारा आता है सप्तमी। नदी में अनेक जंतु रहते हैं। नदी में ये अधिकरण है, अनेक जंतु ये हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, रहते हैं ये हमारी क्रिया है या वर्ब है। सरिति, अभी हमने सरित शब्द सप्तमी एक वचन में सीखा है, सरिति। सरिति बह वह जंतव है वसंति। Various creatures live in the river. अब आता है बच्चों संबोधन। हे अरे, हे नदी, हम आपकी पूजा करते हैं। भो सरित, वयम भवतीं पूजयामः। ओ रिवर, वी वर्शिप यू। You should always bless us. आप हमें हमेशा आशीर्वाद दें। आज हमने सरित शब्द के रूप हिंदी सहित, अर्थ सहित सीखे हैं। साथ में हमने सरित शब्द के हिंदी तथा इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना सीखा है। इसके साथ साथ हमें अन्य शब्दों का ज्ञान भी अर्जित करना है। बच्चों संस्कृत बहुत सरल है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का ज्ञान अर्जित करेंगे। थैंक यू।